కేంద్రం తీసుకొచ్చిన వ్యవసాయ చట్టాలన్నీ రైతులకు మేలు చేసేవని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా పునరుద్ఘాటించారు. కనీస మద్దతు ధర అన్నదానిని ఎవరూ తొలగించరని, రైతుల నుండి భూములను కూడా ఎవరూ లాక్కోరని స్పష్టం చేశారు. రైతు సంఘాలతో చర్చించడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగానే ఉందని ఆయన ప్రకటించారు. కనీస మద్దతు ధర విషయంలో ప్రతిపక్షాలన్నీ రైతులను తప్పుదోవ పట్టిస్తున్నాయని, కనీస మద్దతు ధర ఉంటుందని రైతులకు మరోసారి హామీ ఇచ్చారు అమిత్ షా. क्यों भाई, आवाज को क्या हुआ है? महरोली वालों के ऐसी आवाज होती है क्या? मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए सब लोग दोनों हाथ, मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. मंच पर उपस्थित भैया, आप तनिक सुन लो, 12 बजे मोदी जी आएंगे. मंच पर उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष महोदय, हमारे संगठन मंत्री सिद्धार्थन जी, यहाँ के लोकप्रिय सांसद और मेरे मित्र भाई रमेश विधुड़ी जी, मंच पर उपस्थित अलग अलग खापों के सभी प्रधान साहिबान, चौधरी जयनारायण जी, चौधरी जगरीमन जी, चौधरी भीम सिंह जी, चौधरी फूल सिंह जी, चौधरी नेकीराम तंवर जी, पंडित छोटेलाल जी, चौधरी नरेश प्रधान जी, अन्य भी खापों के प्रधान यहाँ पर उपस्थित है. मैं सभी को विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूँ. मित्रों, आज हम सब भारतवासियों के लिए महत्वपूर्ण दिन है कि आज के ही दिन दो ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ जिन्होंने भारत के भविष्य को बनाने में बड़ी भूमिका अदा की. एक तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, देश भर में आज भी श्रद्धेय अटल जी को नाम देते ही उनकी ओजस्वी वाणी हमारे स्मरण पर आती है.